फ्रेंड कैसे आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आपका एक और नई वीडियो पे स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एक और नई भर्ती का दोस्तों। BSNL के अंतर्गत वैकेंसी आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाली दोस्तों। भारतीय भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी निकलने वाली दोस्तों। इसके बारे में आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं, ताकि अगर आप चाहे इसकी तैयारी पहले से कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, फॉर्म कब निकलने वाला है आपको ये भी बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड या सरकारी फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों। कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जॉब हो, सबकी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। और जब भी नौकरी आती है उससे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि वैकेंसी कब निकलने वाली है। तो जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारी निकलने वाली है BSNL भर्ती 2024 के अंतर्गत दोस्तों। ये जो भर्ती हमारी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अंतर्गत वैकेंसी निकलने वाली है, यहाँ पर पोस्ट हम जो रखने वाले हैं दोस्तों, पोस्ट यहाँ पर रखी जाएगी सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की। हाँ दोस्तों, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की यहाँ पर ये पोस्ट रहने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी रहेगी इस भर्ती के अंतर्गत। तो सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात करें, टोटल इसमें 588 वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं पोस्ट के हिसाब से। अब इसमें जो पोस्ट होगी, पहली हमारी टेलीकॉम ऑपरेटर की पोस्ट होगी। टेलीकॉम ऑपरेटर की जो भर्ती रहने वाली है यहाँ पर, वो रहने वाली है 450। सेकेंड हमारी जो होने वाली है फाइनेंस, तो फाइनेंस की जो हमारी यहाँ पर रहेगी वो रहेगी हमारी 84। और यहाँ पर सेकंड थर्ड होने वाली है हमारी सिविल, सिविल की यहाँ पर रहने वाली है 13। और एक हमारी है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर होने वाली है 11। टोटल मिलाकर यहाँ पर 588 वैकेंसी टोटल रहने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होने वाला है, वो होने वाला है कि इसमें डेट क्या है, इसकी एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट रहने वाली है वो कब होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग डेट जो है मार्च से ही शुरू हो जाएगी। अभी 5-7 दिन 10 दिन के अंतर्गत ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट इसकी अप्रैल में रहने वाली है दोस्तों, नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आपको अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते, सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड कराई जाएगी इस पोस्ट में। तो सैलरी की अगर बात करूँ, सैलरी आपको इसमें 24,900 से 50,500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों। अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है क्वालिफिकेशन का, कि कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की। अगर आप टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिकल या सिविल स्ट्रीम, अगर आप टेलीकॉम सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग की होनी चाहिए आपकी। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से आपने डिग्री की होनी चाहिए जब भी आप इस तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप फाइनेंस के लिए करते हैं, तो आपने CA किया हुआ हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप CA के लिए एलिजिबल, अगर सिविल फाइनेंस में जाना चाहते हैं, तो आपकी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते दोस्तों। अब बात आती है हमारी एज लिमिट की, कि एज लिमिट इस फॉर्म में क्या रखी गई है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, तो एज लिमिट जो है यहाँ 21 से 30 साल रहने वाली है इस वैकेंसी में दोस्तों। अब बात आती है फीस की, तो फीस अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है कि कितनी फीस इसमें रखने वाले हैं फॉर्म की। ये नोटिस में आपको चेक करने को मिल जाएगा जब भी इसका फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। अब बात आती है कि सिलेक्शन, कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो सिलेक्शन होगा आपका इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के हिसाब से। पहले आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद इसमें आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा दोस्तों। अच्छी खासी पोस्ट के लिए अच्छा खासा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अपने आप में BSNL एक अच्छी खासी भर्ती है, और बहुत जल्द इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन देखने को मिलने वाले हैं। अभी से अगर आपने बैचलर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से की हुई, तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर कोई भी BSNL में भर्ती आएंगी और कोई क्वालिफिकेशन को लेकर, वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।